गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सी ऑफ लेसन 10। आंसर द क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन वन, हाउ मच मोर मनी डिड अमित एंड हाउ मच मोर मनी डिड अमित नीड टू पे फॉर द स्नैक्स। अमित को स्नैक्स पे करने के लिए और कितने अधिक रुपयों की जरूरत थी। कहने मतलब यह है, अमित को स्नैक्स खरीदने के लिए और कितने अधिक रुपयों की जरूरत थी। आंसर, अमित नीडेड 30 रुपीज टू पे फॉर द स्नैक्स। अमित को स्नैक्स खरीदने के लिए 30 रुपयों की जरूरत थी। इसका मतलब यह है 50 रुपीज उसकी प्राइस थी, उसको जो है 30 रुपये और देना था, 20 उसको पे कर चुका था। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड द क्राउड गैदर अराउंड नेहा एंड अमित। नेहा और अमित के चारों तरफ भीड़ क्यों जुट गई। आंसर, नेहा एंड अमित वेयर क्राइंग। नेहा और अमित चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। सो द क्राउड गैदर्ड अराउंड देम, इसलिए भीड़ उनके चारों तरफ जुट गई। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड द स्टेशन मास्टर हेल्प अमित एंड नेहा। स्टेशन मास्टर अमित और नेहा की कैसे हेल्प किया। आंसर, द स्टेशन मास्टर ब्लू हिज व्हिसिल। स्टेशन मास्टर अपनी व्हिसिल बजाया, सीटी बजाया, एंड द गार्ड वेव्ड द रेड फ्लैग, और गार्ड लाल झंडी हिलाया। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ट्रेन रोका। इन दिस वे, इस प्रकार से द स्टेशन मास्टर हेल्प्ड अमित एंड नेहा। स्टेशन मास्टर अमित और नेहा की हेल्प किया। क्वेश्चन फोर, व्हाई शुड वी नॉट गेट ऑफ ए ट्रेन विदाउट टेलिंग आवर पेरेंट्स। बिना माता पिता को बताए हमें ट्रेन से क्यों नहीं उतरना चाहिए। आंसर, We should not get off a train without telling our parents, otherwise our lives may be in danger. We should not get off a train without telling our parents. हमें बिना अपने माता पिता से बताए ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, otherwise our lives may be in danger. अन्यथा हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। Today we will stop at this. And students will have to write exercise C in your homework copy and in your classwork copy.